रीवा जिले में नशीली कप सिरप का कारोबार करने वालों का जाल फैला हुआ है। पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही के बावजूद खुलेआम जगह जगह कोरिक्स बिक रही हैं। सिमरिया पुलिस ने ऐसे ही एक कोरिक्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके घर की तलाशी लेने पर 50 सीसी नशीली कप सिरप बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा उक्त कार्यवाही थाना क्षेत्र के बराव गाँव में की है, जहां रोशन सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 50 सीसी नशीली कप सिरप बरामद हुई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि युवक के द्वारा कोरिक्स कहां से लाई जा रही थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो लगातार अभियान जारी है, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर न सिर्फ अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, परंतु जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज एक अच्छी कार्रवाई थाना सिमरिया ने की है, जिसमें उन्होंने 50 बोतल कोरेक्स नशीली कफ सिरप पकड़ी है। और अभी जो आरोपी हैं उनका पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग निकाल रहे हैं, उनके साथियों की तलाश भी कर रहे हैं, जिससे कि उनका पूरा जो चैनल है वो भी हम लोग ब्रेक कर सके और इस पर और अधिक अंकुश लगा सके। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।